तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी इफ्तार का वक्त हो चुका है और हम इफ्तार पे बैठ चुके हैं। ये देख सकते हैं अकेले हैं आज दस्तरखान पे, क्योंकि आज सब बच्चे जो है इफ्तार की दावत है दूसरी जगह, तो वहीं पर इफ्तार करने गए हैं। तो आज हम खुद अकेले इफ्तार करेंगे। अब थोड़ी देर में इफ्तार का अज़ान होने वाला है, तो इफ्तार हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। और हमारे साथ एक बच्चा है एकर, वो भी आएगा अभी, तो वो देखते हैं, वो भी साथ में इफ्तार करेगा। और कोई नहीं है दुकान पे और कोई नहीं है यहाँ पर, तो हम इफ्तार हम दो ही लोग करेंगे। तो थोड़ी देर में अजान होने वाला है दोस्तों, आप देखते जाइए इफ्तार की बरकत को। इसीलिए हम जो है नॉर्मल पानी पी के हजूर नाश्ता घूमने थोड़ा ये सब करके नाश्ता करते हैं। और इफ्तार दिन भर के रोज़ा रहने के बाद, 14-16 घंटा रोज़ा रहने के बाद खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि आप 4:05 पे सहरी का वक्त ख़त्म होता है और 6:05 पे इफ्तार का वक्त होता है। तो आप सोच, इसके बाद आपको इफ्तार करना होता है, तो दिन भर आप दोस्तों पानी भी नहीं पी सकते हैं, कुछ भी नहीं पी सकते हैं। सिर्फ आप मुँह हाथ धो सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते कुछ। इसके बाद जब शाम में 6 बजे के बाद जब हमें वक्त मिलता है खाना खाने का, तो आप सोच ही सकते हैं कितना खा सकते हैं। तो मिला जुला के आप देख सकते हैं, अभी इफ्तार हो रहा है, इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर अजान हो जाएगी, फिर नमाज को चले जाएंगे। इसी तरह रमज़ान में आपका समय बीतता है, और दोपहर का समय तो आप कहीं पर जा ही नहीं सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दोपहर का समय बहुत ज़्यादा कड़क होता है, क्योंकि धूप होती है, बोलने का दिल नहीं करता है, मुंह पूरा सूख जाता है, हलक सूख जाता है, जिसके कारण आप बातें नहीं कर सकते शाम में। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पानी पीने में, वो भी थोड़ा ठंडा पानी हो हल्का, तो पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इसके बाद फिर नाश्ते का लुत्फ़ पी लिया जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा पड़ के आते हैं तो फिर खाना खा के फिर लेट जाते हैं। तो यानी सोने में दोस्तों 10 तो बजना ही बजना है आपको, इसके बाद फिर 3 बजे भोर में उठ भी जाना है, जिससे आप सहरी कर सको। अगर सहरी नहीं करते तो रोज़ा नहीं रह सकते आप। तो इफ्तार ख़त्म करते दोस्तों, आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा।